Assalamualaikum. Chapter number 2, Making of Pakistan. Question number 1, outline the main features of the two-nation theory. Two-nation theory में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हमें बतानी है. The entire freedom movement revolved around the two-nation theory, which was a concept developed by Sir Syed Ahmed Khan. Two-nation theory की शुरुआत सबसे पहले Sir Syed Ahmed Khan ने किया था, जब हिंदी और उर्दू लैंग्वेज के बीच में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था. एक वक्त ऐसा आया था इंडो पाक हिस्ट्री में जिसमें हिंदी को हिंदुओं की पहचान और उर्दू को मुसलमानों की पहचान करार दिया गया था, और उर्दू लैंग्वेज के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो है सर सैयद खान ने बहुत मेहनत की थी. बहुत सारे उन्होंने जो है एजुकेशनल मूवमेंट्स, उन्होंने उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए थे. तो उन दौरान जो उसके जो रवैये थे गवर्नमेंट ऑफिशल्स के एंड तमाम हिंदुओं के, तो उस वजह से सर सैयद खान ने डिसाइड किया, इनको अंदाज़ा हुआ कि मुसलमान और हिंदू साथ में नहीं रह सकते, और इसी चीज़ को टू नेशन थ्योरी कहा जाता है. अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं. हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर. हिंदूज और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और ये दोनों साथ में नहीं रह सकते. हिंदूज एंड मुस्लिम हैव डिफरेंट रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री. हम लोगों का मज़हब भी डिफरेंट है, हम लोगों के कल्चर्स भी डिफरेंट हैं, हम लोगों की ज़बान और हिस्ट्री भी डिफरेंट है. हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव डिफरेंट फिलासफी, सिविलाइजेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी आर डिफरेंट. यानी कि हमारे पास जो फिलासफी है, हम लोगों को सोच बूझ का तरीक़ाकार है, हम लोगों की सिविलाइजेशन है लाइक कास्ट सिस्टम का या फिर इक्वालिटी का या ब्रदरहुड का और इकनॉमी का, के वेल्थ की या दौलत की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हिंदुओं में और मुसलमानों में दोनों के दोनों में मुख्तलिफ हैं. तो इस वजहात की वजह से टू नेशन थ्योरी बनाई गई थी. तो ये सारे मेन फीचर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फराइजी मूवमेंट. यानी फराइजी मूवमेंट शुरू किया गया था, उसका मकसद क्या था. फराइजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह बिगेन हिज रिफॉर्म मूवमेंट नोन एज फराइजी मूवमेंट इन द सेंटर ऑफ बंगाल. हाजी शरीयतुल्लाह ने अपना जो मूवमेंट शुरू किया था, तो तहरीकें शुरू की थी जिसका नाम फराइजी मूवमेंट है, वो बंगाल में शुरू की थी. ऑब्जेक्टिव्स, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फराइजी मूवमेंट वर एलिमिनेट अन इस्लामिक ट्रेडिशंस. मुसलमान चूँकि दूसरों गैर मुसलमानों के साथ रहने लगे थे, तो उनकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने ट्रेडिशंस या काफ़ी सारे ऐसे रस्म व रिवाज उन्होंने अपनाने शुरू कर दिए थे जो कि इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ जा रहे थे. तो ऐसे कानून, ऐसे रवायत जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा हो, ऐसे ट्रेडिशंस को, ऐसे रस्मों को ख़त्म करने का जो मकसद फ़राइज़ मूवमेंट का मकसद था, वो ऐसे रवायत को ख़त्म करने का था. डायरेक्ट मुस्लिम्स टू एक्ट अपॉन इस्लामिक ड्यूटीज़, जो उनके फ़राइज़ थे उन पे अमल करने पर मुसलमानों को याद दिलाया जाए कि उनके यह इस्लामिक प्राइस क्या हैं, उनके उन पर क्या क्या फ़र्ज किया गया है, उस पर फोर्स करना या उनको याद दिलाना कि आपके ये चीज़ें आप लोगों को फ़र्ज हैं. बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बंगाली मुस्लिम टेनेंट्स एंड टू सेव देम फ्रॉम इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स. अब बंगाल में जो मुसलमान थे अक्सर टेनेंट्स थे. टेनेंट्स का मतलब है कि वो किराए के मकान में रहते थे, या तो यहाँ पे जो है किराए के मकान भी हो सकता है इन द सेंस, एंड इसके अलावा जो दूसरे लोग थे लैंडलॉर्ड्स से इन ज़मीनें में वो फार्म किया करते थे लाइक फार्मर की तरह. तो उसमें क्या होता था कि उन पे जो है काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए जाते थे. तो उस सिलसिले में भी जो है जो बंगाली मुसलमान हैं उनकी भी हिफाजत करना, ताकि उन पर जो मिलावट अगर टैक्सेस लगाया जाता था उससे बचाव हो सके. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन रोल ऑफ शाह वली अल्लाह इन द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में शाह वली अल्लाह ने क्या क्या रोल प्ले किया था वो बताना है. शाह वली अल्लाह रियल नेम वाज कुतुबुद्दीन एंड ड्यू टू हिज पाइटी ही वाज कॉल्ड वली अल्लाह. शाह वली अल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन है, वली अल्लाह उनका लकब है, शाह उनकी ज़ात है. उनके तकवा की वजह से, उनके रवैये की वजह से उनका नाम वली अल्लाह लकब उनको दिया गया था, लेकिन असल नाम उनका कुतुबुद्दीन है. रोल ऑफ शाह वली अल्लाह, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शाह वली अल्लाह वर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. शाह वली अल्लाह जितने भी इकदाम लिए वो सब एजुकेशन के लिए, यानी उनके मुसलमानों की तालीम के लिए, और ताकि उनके जो जहनी डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके, उस मकसद में उन्होंने तमाम स्टेप्स लिए थे. सबसे पहला क्या किया उन्होंने, एनालाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन. उनके वक्त में क्या हुआ था कि जो मुगल एम्परर थे, ये डिफरेंट मुसलमानों की सल्तनतें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी. दूसरे जो सल्तनत थी उनके ऊपर
भारी हो रहे थे, तो उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने वजह फाइंड करने की कोशिश की कि ऐसा क्या वजह थी जिसकी वजह से मुसलमान की जो सल्तनत है ख़त्म होती जा रही है। तो उनके लिहाज से ये था कि क्योंकि मुसलमान इस्लामी कवानीन को छोड़ रहे हैं और वो जो है खुद ही अपने सल्तनत की देखभाल नहीं कर रहे, दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो इस वजह से मुसलमानों की जो सल्तनत थी वो ख़त्म होती जा रही थी। यानी कि लेट सपोज कहा जाता है कि सबसे बड़ी वजह जो मुसलमान डिक्लाइन की ये थी कि वो लोग देर से उठते थे, क्योंकि उनका देर से उठने का एक हैबिट बन गया था। इस वजह से उनकी जो बिजनेस है या उनका जो पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट है उनकी, वो देर से शुरू होती थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लीजी हो गए थे, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे। तो इस वजह से जो मुसलमान की डिक्लाइन है, कहा जाता है कि अक्सर उनकी लेजीनेस की वजह से मुसलमान की डिक्लाइन हो गई थी। नंबर टू, इन्फॉर्मिंग रीजंस बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स टू इन्फ्लुएंशियल लीडर्स या रूलर्स लाइक मुगल एम्परर निज़ाम ऑफ डेक्कन। यानी कि जो उन्होंने रीजंस उन्होंने मिले थे उनको जो उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो वो उन्होंने फिर इन्फ्लुएंशियल रूलर्स यानी कि उन्होंने जो उस वक्त जो उस वक्त ताकतवर जो भी रूलर्स थे लाइक मुगल एम्परर में से कुछ रूलर थे जो ताकतवर थे दक्कन के, हैदराबाद दक्कन के जो नाजिम थे उनको बताया, अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने इन्फॉर्म किया था। यानी काफ़ी सारे जो ऐसे मुसलमान जो उस वक्त माने जाते थे कि अभी भी इनके पास कुछ ताकत है, तो उनको इन्फॉर्म किया था ताकि वो जो है कुछ ना कुछ कर सकें, ताकि मुसलमान की सल्तनत दोबारा से बेहतर हो सके, दोबारा से पावरफुल हो सके। नंबर थ्री, इन्वाइटिंग अहमद शाह अब्दाली टू रिमूव द थ्रेट ऑफ मराठास। पंजाब में मराठास का राज बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी वो काफ़ी हद तक फैल चुके थे, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इन्वाइट किया था कि आप जो है मराठास से जंग लड़ें और उनकी सल्तनत को पंजाब से ख़त्म करें। ऑल दो मराठास के साथ उन्होंने जंग की थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक पंजाब में रह नहीं सके, क्योंकि उनकी अब की जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर उसमें भी अटैक हो गया था, तो उनको फ़ौरन वापस जाना पड़ा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑल दो मराठास की जो सल्तनत थी पंजाब के ऊपर ख़त्म हो चुकी थी, बट स्टिल वहाँ पे उन्होंने कोई मुसलमान की सल्तनत कायम नहीं की थी, जिस वजह से कह सकते हैं कि शावलियर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे विद अहमद शाह अब्दाली। नंबर फोर, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इनटू सिंपल पर्शियन लैंग्वेज। शावलियर के दौर में मुसलमानों के अंदर पर्शियन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा जोर थी, यानी जो पढ़े लिखे मुसलमान घराने थे वहाँ पर फारसी बोली जाती थी, पर्शियन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इसी वजह से क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि मुसलमान की डिक्लाइन है वो इस्लामिक कवानीन से दूर होने की वजह से भी थी, इस वजह से उन्होंने कुरान को पर्शियन लैंग्वेज में सिंपल हल्के से, यानी बहुत ज़्यादा भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, उनके हल्के से उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया था ताकि आसानी से हर इंसान, हर मुसलमान समझ सके। नंबर फाइव, रोड बुक्स टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन शिया एंड सुन्नी। शिया और सुन्नी के बीच में फसादात भी बहुत ज़्यादा हो गए थे उन दौरान, जिसकी वजह से मुसलमानों के बीच में जो यूनिटी थी, इत्तेहाद थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने जो है किताबें लिखी जिसमें शिया और सुन्नी के बीच में जो फसादात थे उनको एड्रेस किया था और बताया गया था कि अक्सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लाइक शिया पे जो इल्ज़ाम थे वो दुरुस्त नहीं है या सुन्नी पे जो इल्ज़ाम हैं वो दुरुस्त नहीं, तो इस तरह की किताबें भी उन्होंने छापी थी। तो इस तरीके से शाह वलीला ने जो पाकिस्तान मूवमेंट है, एक तरीके से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इन्होंने ये रोल प्ले किए थे। क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ सैयद अहमद शहीद इन एलिमिनेटिंग सोशल इवल्स फ्रॉम पंजाब एंड KPK। सैयद अहमद शहीद ने किस तरीके से पंजाब और KPK में सोशल इवल्स, यानी कि उनकी सोसाइटी में जो इवल्स थे जो बहुत रोज़मर्रा टाइप का हो गया था, उनको किस तरीके से उन्होंने ख़त्म किया वो बताना है। सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड एन आर्म स्ट्रगल टू क्रश द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सिख कॉल्ड तहरीक मुजाहिदीन। सैयद अहमद शहीद ने सिख के खिलाफ एक स्ट्रगल स्टार्ट किया था, एक आर्म स्ट्रगल स्टार्ट किया था जिसको तहरीक मुजाहिदीन कहते हैं। सैयद अहमद शहीद कलेक्टेड द स्कैटर्ड फोर्स ऑफ मुस्लिम्स एंड स्टार्टेड हिज मूवमेंट तहरीक मुजाहिदीन। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को इत्तेहाद किया था और इत्तेहाद करके उन्होंने जब तहरीक शुरू की थी, दैट इज़ तहरीक मुजाहिदीन। From Sen, he received help from the then Peer Pagara, उस वक्त उनके वक्त में, सैयद अहमद शहीद के वक्त में जो पीर पगारा थे सैयद सबुतुल्ला शाह, उन्होंने भी उनकी मदद की थी, उन्होंने अपने हूरों को, यानी कि जो पीर पगारा के फॉलोअर्स होते हैं उनको हूर कहते हैं, HUR हूर। तो उस वक्त जो पीर पगारा थे उनका नाम सैयद सबुतुल्ला शाह था, उन्होंने जो है अपने हूर को भेजा था, हूरों को, ताकि सैयद अहमद शहीद की जो उनकी तहरीक उन्होंने शुरू की, जिहाद जो उन्होंने शुरू किया उसमें उनकी मदद करें। सैयद अहमद शहीद इन्फोर्स इस्लामिक लॉज, तो जहाँ जहाँ जो है वो सिखों को एक तरह से हराते जा रहे थे
तो वहाँ वहाँ मुसलमानों को याद दिला रहे थे कि आपके इस्लामिक कानून क्या क्या हैं। सैयद अहमद शेख फॉट एंड डिफीटेड सिख्स, और काफ़ी हद तक उन्होंने कागजाई इलाकों से उन्होंने सिखों को डिफीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट से हमने क्या फ़ायदे में हासिल हुए, क्या क्या अचीव किया उन्होंने, वो हमें बताना है। द सर्विसेज दैट सर सैयद रेंडर्ड फॉर द रेनेसेंस ऑफ मुस्लिम्स आर नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। सर सैयद ने जो भी इकदाम लिए, जो भी सर्विसेज उन्होंने किए थे मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए, तो उनकी पूरी तहरीक को अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया गया है। अब उसके अचीवमेंट्स, सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग गुडविल विद ब्रिटिश। अब क्योंकि जब सर सैयद ने अपना अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, उस वक्त उन्होंने रिसेंटली जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में मुसलमानों और हिंदुओं ने, इंडिया ने बेसिकली बहुत बुरी तरीके से वो हारे थे, लेकिन ब्रिटिश ने सारा का ज़्यादा इल्ज़ाम जो है मुसलमानों पे थोप दिया था। तो इस वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ब्रिटिश की और मुसलमानों की, तो वो दूर करना था। अब क्योंकि ब्रिटिश ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया था, तो मुसलमानों के अंदर भी ब्रिटिश के लिए एक नफरत पैदा हो शुरू हो गई थी। तो सर सैयद ने उस नफरत को ब्रिटिश के अंदर से एंड मुसलमानों के अंदर से ख़त्म करने के लिए उन्होंने दो पाम्फलेट लिखे थे, जिसका नाम था कॉसेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, यानी इंडियन रिवॉल्ट जो हुआ था, यानी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 वाली, उन्होंने जो उसमें डिटेल में बताया था कि वो जंग क्यों लड़ी गई थी। उसमें आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि उन्होंने जो है गन पाउडर के अंदर तब्दीली लेकर आए थे। गन पाउडर के अंदर उन्होंने काव एंड पिक का फैट डालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, और इस वजह से जो है मुसलमान और हिंदू दोनों ब्रिटिश के खिलाफ हो गए थे। इस तरह के और भी डिफरेंट कॉसेस थे जो उन्होंने इस पाम्फलेट के अंदर पूरा डिटेल में लिखा था, जो कि उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में छापा था, ताकि मुसलमानों को भी समझ में आए और ब्रिटिश को भी समझ में आए। इसके अलावा लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया के बारे में भी उन्होंने पाम्फलेट उन्होंने छापा था। इस पाम्फलेट के अंदर उन्होंने डिफरेंट मुसलमानों के नाम लिखे थे जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी, जैक बहादुर की मदद की थी, उनकी एजुकेशन मूवमेंट जो थी ब्रिटिश की, कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना इन इंडिया एंड ऑल दैट। तो डिफरेंट मुसलमानों की जो ब्रिटिश की मदद की थी, उन लोगों के नाम और उनके कंट्रीब्यूशंस का लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया में जिक्र किया था। नंबर 2, एजुकेशनल सर्विसेज। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो मेनली जो सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो एजुकेशनल सर्विसेज में था, तो यानी सर सैयद ने बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए थे। सर सैयद टुक प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मुस्लिम्स। अब सर सैयद जानते थे कि अगर मुसलमानों की के सिचुएशन को सुधारना है, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट्स एजुकेशन, उनकी तालीम पे, उनकी यानी जानते थे कि तालीम की कमी की वजह से जो है मुसलमान इस हालत में मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जो है एक तरह से सुस्ती निभाई थी पहले, और उन्होंने तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो इस हाल में अभी पहुँचे हुए थे। तो सर सैयद ने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए थे। उन्होंने क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए थे? नंबर 1, ही एस्टैब्लिश स्कूल्स वेयर स्टडी इंग्लिश वर इंकरेज। उस ज़माने में लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी कि इंग्लिश लैंग्वेज काफिरों की ज़बान है, इसी वजह से काफ़ी सारे मुसलमान जो कि अनपढ़ थे, उन्होंने भी इस बात पर यकीन कर लिया था, और वो इंग्लिश पढ़ने से गुरेज करते थे, और इसी वजह से वो किसी भी ऐसे स्कूल में नहीं भेजते थे जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाता था। तो इस वजह से सर सैयद ने खुद जो है वो ऐसे स्कूल्स कायम किए थे मुसलमानों के लिए, जहाँ पे इंग्लिश बाकायदा खुद पढ़ाया जाता था, उनको समझाया जाता था। एंड देन ही फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी दैट ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क्स इन उर्दू। अब जो भी मॉडर्न वर्क्स थे या साइंटिफिक वर्क जितने भी थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जितने मॉडर्न वर्क्स जो भी डिस्कवरीज होती जा रही थी, ऐसे उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया था जो उर्दू में उनको ट्रांसलेट कर रहा था। अब सर सैयद के ज़माने में जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती थी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान थे जो इंडिया के अंदर रहते थे, वो पर्शियन भी बोलते थे, अरबी भी बोलते थे और टर्किश भी बोलते थे, तो उनकी मेलजोल की वजह से एक न्यू ज़बान पैदा हो गई थी, जिसका नाम उर्दू रखा गया था। इसके काफ़ी सारे नाम थे, शाहजहानी भी रह गया था, लश्करी भी नाम हो गया था उसका, और आखिर में इसका नाम उर्दू रख दिया गया था। तो यानी कि अब उस वक्त क्या हुआ कि उर्दू जो है फिर मुसलमानों की ज़बान बन गई थी, इसी वजह से जो साइंटिफिक सोसाइटी में लोग रहते थे या जो काम करते थे, उन्होंने जो मॉडर्न साइंटिफिक वर्ड्स थे उन सबको उर्दू में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद उनके सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द पैटर्न ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। सर सैयद अहमद खान एक दफ़ा अपने बेटे के साथ जो है उनकी जो स्कॉलरशिप जब उनकी स्कॉलरशिप हुई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने जो है इंग्लैंड विजिट किया था।
जब उन्होंने इंग्लैंड विजिट किया था तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो काफ़ी मुतमइन हुए थे और वो चाह रहे थे कि ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर भी हो। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि उनके टीचिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके लाइक यानी समझ पूरा उनका पेडागॉजी क्या है, उनका तरीक़ाकार क्या है उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, उसको देखते हुए उन्होंने फॉलो किया। और फिर उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज भी लिखते हैं जहाँ तक इधर, लेकिन उसका जो फुल नेम है दैट इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वो उन्होंने बनाया था। लेकिन उनके वफात के बाद वो तब्दील हो गया इंटू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यानी सर सैयद खान ने उन्होंने खुद जो कॉलेज कायम किया था दैट वॉज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाह रहे थे बट उसकी एक्सेप्टेंस जो है उनके वफात के बाद हुई थी। वफात के बाद उनका नाम उस कॉलेज का नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रखा गया था। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने कायम किया था, साल में एक दफा होता था जिसमें जो है एजुकेशनल डिस्कशंस वगैरह होती थी, जो भी मॉडर्न वर्ल्ड जो भी मॉडर्न एजुकेशन थी उसके बारे में, वो जो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में होती थी उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह उसके द्वारा डिस्कशन होती थी। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल सर्विसेज। अब सर सैयद अहमद खान फॉरबिड मुस्लिम स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिस्क्राइब पॉलिटिक्स एज पॉइजन टू एजुकेशन। सर सैयद खान ने मुसलमान स्टूडेंट्स को जो उस वक्त मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में या दूसरे स्कूल्स में पढ़ते थे उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। उन्होंने इस हद तक मना कर दिया था कि उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिक्स जो है वो तालीम के लिए जहर के नस्बत है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त मुसलमान स्टूडेंट्स जो थे वो न्यूली एजुकेशन की तरफ आए थे। इसने पहले बताया था कि क्योंकि उनको ब्रिटिश से एक तरह से नफरत हो गई थी और क्योंकि एक तरह से लोगों ने बात फैलाना शुरू कर दिया था कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ काफिर, तो उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारे मुसलमान जो थे उन्होंने एजुकेशन लेने से गुरेज कर दिया। वो भूल गए थे कि एजुकेशन उनको फ़र्ज था। उन्होंने इस एक तरह से समझने इमोशनल हो गए, उन्होंने एजुकेशन से दूर रहे थे। तो क्योंकि उनकी अभी तक जो मैच्योरिटी थी, एजुकेशनल मैच्योरिटी थी, वो उस हद तक नहीं थी कि वो ब्रिटिश का या कांग्रेस का पॉलिटिकल फील्ड में मुकाबला कर सकें, इसलिए मुसलमान स्टूडेंट्स को बिल्कुल मना कर दिया, फॉरबिड यानी बहुत ही सख्ती से मना कर दिया था कोई भी मुसलमान स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उनको बाकायदा फोर्स किया गया था, उनको कहा गया था ही वॉन्टेड मुस्लिम टू कंसिडर एजुकेशन, यानी अपने तालीम पर उनको फोकस करने को कहा गया था। इसके अलावा सर सैयद फाउंडेड अंजुमन तारीख़ उर्दू विच वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स। उस वक्त सर सैयद पहले ही बताया मैंने आपको कि उर्दू जो है उन दौरान मुसलमानों की लैंग्वेज मानी जाती थी, और इस वजह से जो उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए सर सैयद ने अंजुमन तारीख़ उर्दू पर उन्होंने कायम किया था, ताकि काफ़ी सारे उसके अंदर लाइक रिसाले छापे गए थे, नज़म छापी गई थी, यानी उन्होंने काफ़ी सारे काम किया था। आप लोगों ने अपने उर्दू के बुक्स भी देखे होंगे सर सैयद के, जो उर्दू के जो उनके अदब अदीब वगैरह हैं उनके बहुत सारे उनके जो प्रोज वगैरह हैं वो काफ़ी उन्होंने इस तरह के अल्फाज उन्होंने लाइक इनपुट किए इंग्लिश के, ताकि वो जो उर्दू लैंग्वेज है वो डेवलप हो सके। इसके अलावा सोशल सर्विसेज, सर सैयद पब्लिश तहजीबुल इखलाक इन विच ही डिस्क्राइब एथिकल एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम्स लाइफ। तहजीबुल इखलाक में मुसलमानों को याद दिलाया गया है कि हमारे जो इस्लाम है उसमें क्या तहजीब या क्या इखलाक है, किस तरह से लोगों का रवैया रखना चाहिए। यानी इस हद तक उन्होंने तहजीबुल इखलाक में चीज़ें बताई गई कि उन्होंने जो है खाना खाने का तरीका तक उन्होंने समझा दिया कि खाना खाना किस किस तरीके से खाना खाया जाता है। यानी मुसलमान समझे इतना पीछे हो गए थे उन दौरान कि सर सैयद को ये चीज़ भी उनको मुसलमानों को याद दिलाना पड़ रहा था। रिलीजियस सर्विसेज, सर सैयद टू रिवाइवल स्टेप्स फॉर द मुस्लिम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, कि उन्होंने मुसलमान क्योंकि अपना खुद इस्लाम भूल चुके थे काफ़ी हद तक, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे उनको याद दिलाने के, रिवाइवल यानी याद दिलाने के तरीके से। ही पब्लिश तबायुन कलाम टू शो सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स। उन्होंने ब्रिटिश से मुसलमानों ने ब्रिटिश से इतनी ज़्यादा हद तक नफरत कर ली थी कि उन्होंने मज़हब तक पहुँच गए थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो क्रिश्चियन थे, ठीक है, तो उसकी वजह से उनसे काफ़ी सारी नफरत करते थे कि ये लोग हमारे तरह मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो इनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मना है। तो तबायुन कलाम में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाकायदा कुरान से जो है आयतें वगैरह दिखा दी और अहदीस उन्होंने प्रूफ दिखा दी कि क्योंकि क्रिश्चियन खुद अहले किताब हैं तो उनके साथ खाना पीना मना नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज दिखाई कि हमारा भी मज़हब जो कहता है वही चीज़ें उनके मज़हब भी कहता है, ये चीज़ें उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था। ही ऑल्सो पब्लिश अहकाम तामिल अहले किताब,
जस्टिफाइंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद क्रिश्चियनिटीज अलाउड इन इस्लाम, यानी इस किताब के अंदर सिर्फ ये समझाया गया था प्रूफ देकर कि हम क्रिश्चियंस के साथ खाना पीना अलाउड है। ही एस्टैब्लिश मदरसा टू एजुकेट मुस्लिम वुमेन, औरतों के लिए भी उन्होंने मदरसा कायम किया था जिसमें औरतों को, मुसलमान औरतों को इल्म, ये तालीम दी जाती थी। ही रोट तफसील ऑफ द कुरान, यानी कि उन्होंने जो है कुरान की एक्सप्लेनेशन लिखी थी जिनके 7 जिल्द थे, 7 जिल्द थे। जिल्द का मतलब है कि उसके अंदर उन्होंने पार्ट्स बनाए थे, यानी इतना उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक कुरान को उनको एक्सप्लेन करने के लिए 7 पार्ट्स में उनको 7 किताबें उनको यूज़ करनी पड़ी कि वो पूरा कुरान को सही से समझा सकें। तो ये सारे उनके रिलीजियस सर्विसेज थे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने क्या क्या हमारे लिए किया तो पाकिस्तान हमें हासिल हो। सबसे पहली चीज़, मुस्लिम लीग का फुल नेम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑन December 13, 1906, इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नेम्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीडर्स जो थे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस ऑल्दो जबान से कहता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि इंडिया में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस जो इसकी ज़बान से कहता है वो असल में जो है इन सबको रिप्रेजेंट नहीं करता, वो असल में सिर्फ हिंदुओं के राइट्स को देखता है, हिंदुओं के बेनिफिट्स को देख रहा था। तो इस वजह से मुसलमानों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई थी ऑन December 30, 1906। अब उनका रोल क्या था, मुस्लिम लीग रेंडर्ड इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू द कॉज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग। मुस्लिम लीग ने काफ़ी सारे में बहुत कीमती सर्विसेज अदा किए थे मुसलमानों के लिए। लाइक मुस्लिम लीग टुक द इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट, यानी कि मुस्लिम लीग ने जो है सबसे पहला कदम, इनिशिएटिव मतलब पहला कदम उठाया मुसलमानों के हकूक को महफूज रखने के लिए। मुस्लिम लीग कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव 1/3 सीट्स ऑफ द असेंबली टू मुस्लिम्स, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ये था कि लाइक के गवर्नमेंट में उन्होंने पूरा कांग्रेस को लाइक दिया हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसमें कहा कि उसमें से जो असेंबली है, क्योंकि ऑल दो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में आती है लेकिन तमाम माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा जो ग्रुप था मुसलमान का था यूनाइटेड इंडिया में। उन्होंने कहा था कि इस हिसाब से अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो 1/3 सीट जो है गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों की होना चाहिए, एक कोटा होना चाहिए मुसलमानों का जो 1/3 उनका हो बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस किया था उन्होंने काफ़ी हद तक कि आप 1/3 जो है असेंबली के अंदर 1/3 सीट जो है 1/3 सीट मुसलमानों के लिए फिक्स कर दें, और ये मिल गया था मुसलमानों को उन दौरान। मुस्लिम लीग प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिजर्व सीट्स फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द प्रोविंशियल सेंट्रल असेंबलीज, यानी कि प्रोविंशियल के अंदर भी हो, प्रोविंसेस के अंदर भी हमारे लिए सीट्स हों और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी ये सीट्स, ये डिफरेंट इलेक्टोरेट्स जो थे वो मुस्लिम लीग ने कायम करवा दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कांग्रेस एक्सेप्टेड गिविंग इंडियन मुस्लिम द सेपरेट इलेक्टोरेट, और जब जो है मुस्लिम लीग का उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा लाइक जिद्दी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिद्दी थे, तो इसी वजह से कांग्रेस ने भी इंडियन मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी उन्होंने मान लिया कि मुसलमान भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लायक हैं। मुस्लिम लीग कन्विंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी माइनॉरिटीज़ के हिसाब से जो रेशियो बन रहा था उस हिसाब से एक कोटा उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि हमें एक अलग से कोटा टाइप का दिया जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, What role was played by the provinces in the struggles for Pakistan? Role of Sindh in Pakistan movement. इसमें यह डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं हमारे पास, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान एंड केपी के, उसको बताना है कि वहाँ के लोगों ने क्या किया पाकिस्तान के लिए मदद की। अब यहाँ पे ऑल्दो मैंने कुछ अलग पॉइंट्स लिखे हैं, बट आपको अलग से लाइक 3 पॉइंट्स सिंध के लिखे हुए हैं, तो 4th पॉइंट में आपको जो नेम्स आपकी बुक्स में पहले से गिवन हैं तो उनके नेम्स लिखने हैं कि द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम सिंध वर, फिर आप पूरा नाम उनका लिखेंगे। सबसे पहला रोल ऑफ सिंध, सिंध वॉज द फर्स्ट प्रोविंस वेयर ऑफिशियल डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल डिमांड था वो कराची के अंदर सबसे पहले, यानी सिंध के अंदर सबसे पहले दी गई थी कि हमें अलग मुमलिकत चाहिए। द मुस्लिम्स ऑफ सिंध सपोर्टेड द जिहाद मूवमेंट अंडर द लीडरशिप सईद अहमद शहीद बरेलवी। सईद अहमद शहीद बरेलवी के लिए जो पीर पगारा ने मूवमेंट के लिए अपने गुरुओं को भेजा था, यानी
क्योंकि जिहाद मूवमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सिंध वॉज द फर्स्ट प्रोविंस इन सब कॉन्टिनेंट वेयर द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश इट्स मिनिस्ट्री, यानी जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे पहले जो है जो मेजोरिटी से मुस्लिम लीग जीती थी वो सिंध के अंदर थी। सिंध के अंदर सबसे पहले जो गवर्नमेंट कायम हुई थी मुस्लिम लीग की वो सिंध के अंदर हुई थी। रोल ऑफ पंजाब इन द पाकिस्तान मूवमेंट, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास इन लाहौर। जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था वो लाहौर में पास हुआ था, जिसके अंदर जो है ओपनली इन्फॉर्म किया गया था सबको कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए। अल्लामा इकबाल अवेकन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम बाय हिज पोएट्री, मुसलमानों के दिमागों को उजागर किया उन्होंने अपने पोइट्री के थ्रू, यानी इस हद तक किया कि उन्होंने कायदे अजम को भी अवेकन किया। कायदे अजम एक तरह समझ ले मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे अजम मोहम्मद अली जिन्ना एक वक्त ऐसा था कि समझते थे कि मुसलमान और इंडिया मुसलमान और जो हिंदू हैं वो साथ में रह सकते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लामा इकबाल ने उनको एहसास दिलाया, और इसके अलावा जो कांग्रेस का एटीट्यूड था उसके थ्रू उनको एहसास हुआ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। चौधरी रहमत अली कॉइन द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम जो चौधरी रहमत अली ने हमें दिया था। सुग्रा फातिमा रिमूव द यूनियन जैक फ्रॉम पंजाब सेक्रेटेरिएट, पंजाब सेक्रेटेरिएट में जो ब्रिटिश का जो फ्लैग है जिसको यूनियन जैक कहते हैं वो वहाँ से उतार के मुस्लिम लीग का फ्लैग वहाँ पे चढ़ा दिया था। रोल ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान डिड नॉट सबमिट टू ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश ने अपना रूल शुरू किया था उस वक्त बलोची ने उनका जो उनकी सल्तनत थी उनकी जो हुकूमत थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ऑलवेज अपोजिट ब्रेवरी और उनके हमेशा खिलाफ थे। नवाब मोहम्मद खान जुगजाई परफॉर्म्ड पिवटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल इन परसुएडिंग द रॉयल जिरगा इनटू एक्सेशन टू पाकिस्तान, यानी बलूचिस्तान के पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या इंडिया को ज्वाइन करे। तो जिरगा सिस्टम अभी तक है बलूचिस्तान के अंदर जिसमें जो बड़े बड़े उनके जो जागीदार होते हैं एक तरीके से कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि किसी भी डिसीजन के बारे में। तो उसमें जो है नवाब मोहम्मद खान जोगजाई ने उस रॉयल जिरगा को जो है लाइक परसुएड किया था, उनको मनाया था कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन करें। रोल ऑफ केपीके इन द पाकिस्तान मूवमेंट, स्टूडेंट्स ऑफ इस्लामिया कॉलेज एंड एडवर्ड कॉलेज टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पाकिस्तान मूवमेंट। इस्लामिया कॉलेज और एडवर्ड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे उस मामले में। लाइक उन्होंने जो है डिफरेंट प्रोटेस्ट कह सकते हैं उन्होंने शुरू किए थे। इसके अलावा डेली सीक्रेट न्यूज़पेपर सदाए पाकिस्तान एक सीक्रेट न्यूज़पेपर जाया करता था जिसमें मुसलमानों को इन्फो दी जाती थी, वॉज पब्लिश टू शेप द पब्लिक ओपिनियन ऑफ पीपल ऑफ केपीके इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें जो है न्यूज़पेपर में इस तरह के न्यूज़ वगैरह कह सकते हैं या आर्टिकल्स छापे जाते थे जिसमें लोगों को केपीके के लोगों को एहसास दिया जाता था कि हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है, यानी एक पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है। सरदार औरंगजेब खान रिप्रेजेंटेड केपीके टू सपोर्ट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। जब लाहौर के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन का ऐलान किया गया तो केपीके को रिप्रेजेंट करने के लिए सरदार औरंगजेब खान खड़े हुए थे, कहा था कि केपीके आपके साथ है। यानी उन्होंने बलोचिस्तान के अंदर नवाब मोहम्मद खान जोगजाई ने ऐलान किया था एक तरीके से कि बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का साथ निभाएगा, और केपीके के अंदर सरदार औरंगजेब खान ने ऐलान किया था कि वो केपीके का पाकिस्तान का साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। ऐसा मुल्क जिसके अंदर आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जो बनाया गया है वहाँ के अवाम पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें बताना है। Responsibilities of a citizen of an ideological state include leading their lives according to the ideology of state, जिस ideology की वजह से एक अलग मुल्क कायम किया गया था उसके हिसाब से जिंदगी जीना, establishing democratic setup in the state के अंदर democracy को कायम रखना, having loyalty and sense of patriotism for the state, कौम से मोहब्बत और उसके साथ वफादारी निभाना, avoiding fraud and dishonesty, झूठ और बेईमानी से गुरेज करना अवॉइड करना, अडॉप्टिंग सिविलाइज एंड एजुकेटेड बिहेवियर, इंसानी रवैया और तालीम याफ्ता रवैया निभाना, यानी कि जाहिलों की तरह हरकतें नहीं करना, अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ द स्टेट, जो कवानीन हैं मुल्क के उस कौम के उस पर अमल करना, वर्किंग हार्ड फॉर द स्टेट अपने मुल्क के लिए मेहनत करना, बीइंग ड्यूटीफुल अपने फ़र्ज निभाना, हेल्पिंग अदर्स एंड प्रमोटिंग ब्रदरहुड भाईचारा को प्रमोट करना दूसरों की हेल्प करके, प्रमोटिंग नेशनल इंटेग्रिटी यानी अपने मुल्क के लिए मोहब्बत और इज्जत ऑनर एंड प्रोग्रेस के लिए काम करना।
Question number 9. Highlight the main points which make the character of Qaidism a model for others. वो पॉइंट्स बताइए जिसमें कायदेजम का जो कैरेक्टर है जो वो दूसरों के लिए एक रोल मॉडल है कि उनको फॉलो करना मतलब क्यों कायदेजम के को फॉलो करें. तो क्वालिटीज दैट मेक एम एस जिना अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन आर मोहम्मद जिना की क्वालिटीज जिसके वजह से वो एक रोल मॉडल करार दे सकते हैं वॉज कायद वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल. एक दफ़ा उन्होंने कोई चीज़ कह दी सो कह दी और उस पर वो खुद ही अमल करेंगे. जैसे उनका एक कॉल है थिंक 1000 times बिफोर यू मेक ए डिसीजन. एक कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 times सोचो. बट आफ्टर मेकिंग ए डिसीजन स्टैंड बाय इट. 1000 times सोचने के बाद एक दफ़ा आपने डिसीजन ले लिया तो उसी डिसीजन पे खड़े रहो. अपने जबान से मुंह करना हो तो वही था कायदेजम अपने जबान के पक्के थे मैन ऑफ प्रिंसिपल थे. कायद वॉज इंटेलेक्चुअल एंड ट्रेड बाय द रूल्स. अब क्योंकि ये कायद थे वो कानून को अच्छे से जानते थे खुद लॉयर थे बैरिस्टर थे तो इस वजह से वो कानून के हिसाब से वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे. इंतहाई अकलमंद थे और वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते थे. कायद वॉज अ डिटरमिंड पर्सन. डिटरमिंड यानी कि जो उनको चाहिए उसके लिए पूरी कोशिश करना हर तरह की मेहनत करना और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मेहनत करना. डिटरमिंड यानी उनको पता है कि उनको मकसद क्या है उनका और उसके लिए कुछ भी करते थे. एंड ही स्टूड बाय हिज डिसीजंस कि वो अपने जो भी फैसले लेते थे उस पर खड़े होते थे. कायद वॉज अ सेल्फलेस एंड विजनरी लीडर यानी कि उन्होंने जो है फ्यूचर एक तरह से उनको जो है पता था कह सकते थे. उन्होंने पहले जो भी एडवाइसेस देते थे तो उनको पहले पता था कि अगर एडवाइस फॉलो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान है वो आगे इतना नहीं बढ़ पाएगा. सेल्फलेस इन द सेंस कि वो खुद जानते थे उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि वो उनको टीबी की मरीज़ है वो ट्यूबरक्लोसिस से वो है फिर भी उनको इलाज के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा. यहाँ तक कि उन्होंने अपने डॉक्टर को और अपनी बहन को मना कर दिया कि कोई भी ये बात लोगों तक आवाम तक नहीं पहुँचाएगा कि उनको कोई बीमार है. वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के सामने वो कमज़ोर दिखें या दुनिया के को लगे कि पाकिस्तान ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा. क्योंकि अगर उनको लोगों को पता चलेगा दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान के जिस बंदे के हाथ में है इस वक्त वो खुद जो है बीमारी से लड़ रहा है मौत से लड़ रहा है तो खुद उसको कमज़ोर समझेंगे. तो कायद नहीं चाह रहा था कि अभी हमने एक नया मुल्क हासिल किया है और अभी से हम लोगों की नज़र में कमज़ोर हों. तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की उस बीमारी में भी उन्होंने जो है बहुत सारे मसले जो थे पाकिस्तान के वो हल किए थे. कायद वॉज अ ग्रेट एडमायरर एंड सपोर्टर ऑफ द यूथ स्पेशली स्टूडेंट्स. वो स्टूडेंट्स और जवानों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायद आजम एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. पहले रोल मॉडल के अंदर क्यों उनको फॉलो करना क्यों ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स थे जो अपने अंदर अपनाने चाहिए हमें. अब है कि पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था उस हिसाब से कायद आजम ने क्या क्या रोल प्ले किया था हमारे लिए. Qaidism was the first Governor General of Pakistan who had won the hearts and trust of people due to his spirit and leadership. Qaidism ke jazbe aur leadership ke wajah se unhone kafi sare logon ke dil pe unhone raj kiya tha aur kafi sare log unko trust bhi karte the. Qaidism created national integrity and a sense of patriotism in Pakistan despite several religion and linguistic differences. Ab Pakistan ke andar jo hai ilaqai difference bhi bahut hai. इसके अलावा ज़बानी डिफरेंस बहुत है जिसे अभी आप लोग नोटिस कर लें. पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं बल्कि लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम सिंधी हैं पंजाबी हैं बलोची हैं पश्तो पठान हैं इस तरह से यानी वो अपने रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के आइडेंटिटी को. इस तरीके से लिंग्विस्टिक भी है कि हम बलोची हैं हम सराइकी हैं. तो ये सब की जो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के ऐसे डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा झुठलाया. ही डिस्करेज प्रोविंशियल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उन्होंने झुठलाया कि ऐसे हमें डिफरेंसेस में हमें इलाकाई और ज़बानी डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए. उन्होंने नेशनल इंटेग्रिटी उन्होंने कहा था कि आपकी पहचान सिर्फ पाकिस्तानी है. आप भूल जाएं कि आप सिंध में हैं पंजाब के हैं आप बलूचिस्तान के हैं आप केपी के हैं आप किसी भी इलाके के उससे मकसद नहीं है. आप पाकिस्तानी हैं तो यानी पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तान के लिए मेहनत करेंगे. आप जो अपनी पहचान निभाएंगे आप उसी मेहनत उसके लिए मेहनत करेंगे. तो अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कंसिडर करेंगे आप अपने आप को इलाके के हिसाब से या अपनी ज़बान के हिसाब से अगर आप अपनी पहचान नहीं देंगे तो ही जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. तो उन्होंने मना किया था कि आप रीजनल लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को नहीं अपनाएंगे
आप प्रोविंशियल और रेशियल डिफरेंसेस भी नहीं करेंगे, आपके अंदर सिर्फ नेशनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, और आपने आपको पाकिस्तानी सिर्फ कहना है, अपने आप को किसी इलाके के हिसाब से पहचान नहीं देनी। कायद वन, गवर्न ऑफिशियल्स अगेंस्ट लेजी एटीट्यूड टुवर्ड्स द ड्यूटीज। यानी कायद ने बताया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वार्न किया था कि अगर उन्होंने अपने ड्यूटीज के साथ जो है उनके जो जिम्मेदारी हैं उनके साथ वो अगर उन्होंने लेजी एटीट्यूड किया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे या शॉर्टकट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान पे बुरा असर आएगा, पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान जो है कामयाब नहीं हो पाएगा। वही चीज़ हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त एक तरह से कह सकते हैं कि अपने ड्यूटीज़ में वो लेजी एटीट्यूड ही निभा रहे हैं। तो कायद ने जो वार्न किया था कि पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा इफ़ आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर नॉट सर्विंग द पीपल। तो वही चीज़ उन्होंने, यानी वो विजनरी थे, उनको पता था कि अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उन्होंने शुरू में ही वार्न कर दिया था। नंबर थ्री, कायद सेट अप फंड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज। पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुआ था तो पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं और इंडिया के लिए फंड्स रखे गए थे, यानी कि जो भी इंडिया का माल था, यूनाइटेड इंडिया का माल था, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन फॉर सम रीज़न पाकिस्तान को जितना कहा गया था कि आपको इतना मिलेगा, उतना दिया नहीं गया। तो इस वजह से पाकिस्तान के शुरू में ही बहुत सारे मॉनिटरी यानी पैसे के बहुत सारे मसले मसाइल आ गए थे, फाइनेंशियली वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे हो गया था। लेकिन उस वक्त भी काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्होंने कायद को हेल्प किया, कायद ने उनकी मदद की थी। उन्होंने मतलब समझ लें, इस वक्त जो हबीब बैंक का जो फाउंडर था उस वक्त, उन्होंने कायद निज़म को एक ब्लैंक चेक दे दिया था साइन करके, यानी एक चेक दे दिया, खाली चेक दे दिया था साइन करके कि आपको जितने पैसे की ज़रूरत है आप जो है इस्तेमाल कर लें। यानी गवर्नमेंट को चलाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, इस हद तक लोगों ने मदद की थी। नेदुल जी फैमिली या एडुल जी फैमिली, ये वो फैमिली से जिन्होंने NED कायम किया था, ठीक है। तो इन लोगों ने, यानी ऐसे बहुत सारे ज़्यादातर जो जिन फैमिली से मदद किया था कायदेज़म की, वो ज़्यादातर पारसी फैमिली थे, क्योंकि वो बिजनेस मैन थे बहुत, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मैन थे। तो ऐसे लोगों ने कायदेज़म की मदद की थी जब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। कायद अटेम्प्टेड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, स्पेशली आर नेबरिंग कंट्रीज। कायदेज़म जानते थे कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखनी है, खासकर अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, क्योंकि एक नेबर के साथ दुश्मनी है। चार नेबर से हमारे पास, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना एंड ईरान। अब चार में से तीन के साथ उनको फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है ताकि बाकी बॉर्डर्स उनके सेफ रहें। इसके अलावा कायदेज़म ने मेक श्योर भी किया कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का भी एक मेंबर बन जाए, यानी उन्होंने अपने जो है फॉरेन पॉलिसीज़ को मेंटेन रखने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश किया कि पाकिस्तान जो है वो सेफ रहे, वो दूसरों के वो क्या है कि दुश्मनी ना निभाए उनके साथ। कायद एडवाइस स्टूडेंट्स टू पे सीरियस अटेंशन टू द एजुकेशन एंड कंसिडर एजुकेशन एज अ लाइफ एंड डेथ मैटर फॉर पाकिस्तान। यानी कायद ने जो है, कायदेज़म ने स्टूडेंट्स को जो है बताया था कि अपने एजुकेशन पे फोकस करें। उन्होंने यहाँ तक ये भी, आप लोगों ने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा अपना, कि उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में उन्होंने जब एक स्पीच की थी तो उस दौरान उन्होंने बताया था स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ पाकिस्तान। आप एजुकेशन में काम करोगे, अगर आप एजुकेशन में ऑनेस्टी के साथ अपने आपको इल्म दोगे तो आपका अपना ही फायदा है, आप डिसऑनेस्टी के साथ करोगे तो आपका अपना नुकसान है। मे बी आपको अभी नहीं दिख रहा हो, लेकिन इन द फ्यूचर यू विल बी द वन विल फेसिंग इट। नंबर सिक्स, कायद वर्क सेल्फलेसली फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी डिस्पाइट हिज डिटेरियरेटिंग हेल्थ। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो मौत से लड़ रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे, उसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपने आप का नहीं सोचा उन्होंने। तो ये सारे रोल थे जो कायदेज़म ने एज ए गवर्नर जनरल हमारे लिए किया।